हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई ए एस सो टुडे इज़ द न्यूज़पेपर रीडिंग गाइड फॉर फर्स्ट ऑफ नवंबर 2020 सो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ एन आर्ट वी डोंट ऑलवेज़ नो कि न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ हमें पढ़नी है और कौन सी हमें छोड़नी है सो फ्रॉम द सिविल सर्विसेज परस्पेक्टिव वी नीड टू नो विच न्यूज़ टू रीड एंड विच नॉट टू सो फॉर दैट पर्पज़ लेटेस सी कि फर्स्ट नवंबर को आज कौन सी न्यूज़ आपको पढ़नी है So, on the front page of the Hindu today, Nath moves Supreme Court over election commission curbs on Congress campaigners' list. So, what happened in Madhya Pradesh? Mr. Kamal Nath has been barred from a star campaigners list. star campaigner is a campaigner of a political party jo uh, elections ke time pe campaigning kar sakte hai, and their expenditure is charged on the party fund and is not included in their individual funds so, मिस्टर कमलनाथ हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टार कैंपेनर्स लिस्ट अंडर द पावर्स वेस्टेड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मिस्टर कमलनाथ ने ये डिसीजन जो इलेक्शन कमीशन का ये डिसीजन है इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है सो यू शुड नो द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स सो पॉलिटी में दिस इज अवज़ विच यू शुड स्टडी

आफ्टर द कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट एंड टू रिड्यूस द इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज तो उसमें यह एक स्टेप है दिस इज द न्यूज यू शुड स्टडी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनमी नेक्स्ट एन अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज राजस्थान बिल्स टू काउंटर फार्म लॉज सो पंजाब के बाद राजस्थान ऐसी दूसरी स्टेट बनने वाला है जो सेंटर के फार्म लॉज के को काउंटर करने के लिए अपने बिल्स लेके आ रहा है सो स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस थ्री बिल्स इन द असेंबली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेशन सो राजस्थान एंड पंजाब बोथ आर ऑन द वर्ज ऑफ पंजाब हैज ऑलरेडी पास द बिल्स राजस्थान इज गोइंग टू पास द बिल्स सो अ फ्यू मंथ्स बैक द सेंटर गवर्नमेंट हैड इशूड ऑर्डिनेंसेस अंडर व्हिच द फार्मर्स कॉमर्स एंड ट्रेड एंड द फार्मर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे वर ट्राइड टू बी रेगुलेटेड और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके अगेंस्ट है दैट्स दे आर पासिंग दिस दिस पर्टिकुलर बिल्स टू अपोज द सेंट्रल लॉ सो यू शुड नो फ्रॉम द पॉलिटी एंड फ्रॉम द परसपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंटरवेंशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज सो इस इशू इस को आपको डिटेल में पता होना चाहिए वट इज शेड्यूल सेवन वट इज सेंटर लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट

दिस इज अडवर्टाइजमेंट ऑन द सेकेंड पेज सो इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिनमें आपको कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स देखने को मिलते हैं यू कैन सी दोज सो आज पंजाब डे भी है आज हरियाणा डे भी है सो फॉर नॉर्थ इंडियन परसपेक्टिव दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग देन नो सिग्निफिकेंट न्यूज ऑन दीज पेजेस सो सिंस इट्स अ संडे न्यूज पेपर

एक वर्चुअल कोर्ट भी लॉन्च की गई है वहाँ के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए सो ई रिसोर्स सेंटर मीन्स यहाँ पे सारे के सारे लीगल रिसोर्स को सोर्स किया जा सकेगा एंड दिस इज़ अ मॉडल विच कैन बी रेप्लीकेटेड इन एंटायर कंट्री सो ये जो जुडिशरी में टेक्निकल इंटरवेंशन आ रही है इस तरह के रिफॉर्म्स आ रहे हैं दीज आर इंड्यूस्ड बाय द लॉकडाउन इन द वेक ऑफ कोविड नाइन्टीन तो उसके बाद से कोर्ट्स की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है कोर्ट्स की जो केसेस की पेंडेंसी है वो बढ़ने लग गई सो नाउ द कोर्ट्स आर लुकिंग टुवर्ड्स टेक्निकल सोल्यूशंस टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द पेंडेंसी एंड एफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो उस कॉन्टेक्स में ये न्यूज आपको पढ़नी है एंड इट इज इंपॉर्टेंट देन फर्दर यू कैन स्किप ऑल अदर रीजनल पेजेस इसमें कोई भी और इम्पॉर्टेंट न्यूज आपको नहीं मिलेगी राइट सो देर इज वेरी लेस इम्पॉर्टेंट न्यूज टू बी रेड फ्रॉम द न्यूज पेपर एवरी डे

जम्मू एंड कश्मीर में डायरेक्टली सेंटर रूल चलता है तो अब जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया है कि जो रोशनी एक्ट था दिस एक्ट विल बी रिपील्ड एंड द लैंड कैन देन बी परचेज बाय एनी वन इन इंडिया सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने डोमिसाइल रूल्स चेंज किए हैं जे एंड के के एंड द पर्पज ऑफ दिस इज टू इंटीग्रेट द यूटी मो इन टू इंडिया क्योंकि वहाँ पर जो प्रोटेक्शनिस्ट लॉज थे जिसकी वजह से वहाँ का लैंड वहाँ की जॉब्स वहाँ के, के, के एजुकेशन और सारे स्टेट बेनिफिट्स सिर्फ स्टेट के रेजिडेंट्स को मिलते थे इनफैक्ट देयर वॉज डबल सिटीजनशिप एज वेल सो नाउ ऑल दोज थिंग्स हैव बिन डन अवे विद और स्लोली सेंटर गवर्नमेंट इस तरह के रूल्स इस तरह के नोटिफिकेशन इशू कर रही है जिससे कि जे एंड के को ज्यादा से ज्यादा पूरे इंडिया में इंटीग्रेट किया जा सके उसे ओपन अप किया जा सके सो दिस इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन देन अनादर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज बट यू शुड नो इट सी प्लेन मेक्स अ स्पलैश ऑन साबरमती सो प्राइम मिनिस्टर हैज मेड अ ट्रिप ऑन फिफ्टी ईयर ओल्ड एयरक्राफ्ट सिविल एवियेशन मिनिस्ट्री ने इंडिया में पहला सी प्लेन सर्विस लॉन्च की है बिटवीन द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एंड द साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद तो इंडिया की पहली सी प्लेन सर्विस शुरू की गई है दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर इकॉनमी परस्पेक्टिव सो इन इंडियन इकोनॉमी

Which you should note down at least from the preliminary point of view. Another regular news Jashankar warns against changes to LAC. So, India's External Affairs Minister, Mr. S. Jaishankar, has warned China. अगेंस्ट एनी एक्शन और चेंजेस टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो इंडिया चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है उसमें ऑलमोस्ट डेली आपको दो से तीन ऐसी न्यूज मिल जाएंगी जो आपको जरूर पढ़नी है ताकि कंटिन्यूटी एक स्टोरी फॉर्म में वो चलता रहे और जहां भी कोई आपको मटीरियल पॉइंट मिलता है दैट यू शुड नोट डाउन सो दिस इज अनदर न्यूज दैट यू शुड रीड ऑन द इंटरनेशनल पेज यूएस क्रॉसेज नाइन मिलियन कोविड नाइन्टीन केसेस अब ये दिखने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं लगेगी बिकॉज कोरोना वायरस इज नाउ लाइक नाइन टू टेन मंथ्स इं टू न्यूज़ तो हमें लग सकता है कि न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द सेकेंड वेव ऑफ करोना वायरस सो यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक सेकेंड वेव शुरू हो गई है कोरोना वायरस की साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू असर्टन कि इसका कारण क्या है इट कुड बी वेदर चेंज इट कुड बी मोर पीपल टू पीपल इंटरैक्शन इट कुड बी लैक्सिटी ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी इसका कारण हो सकता है लेकिन इससे डर यह पैदा हो गया है कि इंडिया जैसी कंट्री में भी दोबारा से एक वेव आ सकती है वेन द फेस्टिव सीजन एंड द विंटर्स सेट इन फ्रॉम दिस मंथ एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ सो इंपॉर्टेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट एन अदर इशू जो आजकल चल रहा है इज दिस वन नेगोर्नो काराबाक इशू सो आर्मेनिया और अजरबाइजान के बॉर्डर पे देर इज़ अ रीजन कॉल्ड नेगोर्नो काराबाक तो उस रीजन को लेकर आर्मेनिया और अजहरबाइजान में फाइटिंग चल रही है दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर एंड द प्रॉब्लम इज दैट ऑल आर स्मॉल कंट्रीज बट दे आर बीग सपोर्टेड बाई देयर एलाइज अजहरबाइजान इज बिंग सपोर्टेड बाई टर्की एंड आर्मेनिया इज़ बिंग सपोर्टेड बाई रशिया सो इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ बुजवानिंग इन टू अ बिग क्योंकि अगर बड़ी कंट्रीज उनको सपोर्ट करने लग जाएंगी देन इट मे बिकम अ बिगर इशू दैट इज एक्टली वट हैपनिंग हिस्सर लेकिन इस कॉन्टेक्ट में दो तीन ऑर्गेइजेशन हैं जो अभी अभी न्यूज में आई हैं दैट यू शुड नो अबाउट फर्स्ट इज द मिन्स्क ग्रुप मिन्स्क ग्रुप सो मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ बेलरूस सो देर आर सेवन टू एट कंट्रीज जिन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया था ताकि इस नैगोनो काराबाक इशू को सॉल्व किया जा सके यू शुड नो वट इज मिंस ग्रुप वो कब बना था उसके मेंबर कंट्रीज कौन से हैं सो डू सर्च एंड राइट दिस डाउन इन टू यूर नोट्स वट इज मिंस ग्रुप एंड द नैगोर्नो काराबाक इशू यू शुड ऑल्सो सी द मैप ऑफ दिस रीजन ऑफ नगोर्नो काराबाक ऑफ आर्मेनिया एंड ऑफ अजरबैजान इनके कैपिटल्स इनकी बाउंड्रीज किस कंट्रीज के साथ लगती हैं यू शुड सी दिस ओके बिकॉज इन यू पी एस सी एवरी ईयर एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज आस्ड Which is regarding some unusual country and the regions and the maps. So, this can be an important issue from that perspective. On the business page, there is no significant news. On the science and technology page, there are two or three news that you can add to your science and tech notes. सबसे पहले ये एक इंटरव्यू है दिस यू कैन रीड जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग नॉट टू बी एडेड एनी वेयर इन द नोट्स सेकेंड वन इज स्पाइरल गैलेक्सी बार्स में प्रिवेंट न्यू स्टार्स सो साइंस ऑप्शनल वाले स्पेशली और जो लोग जनरल प्रिपेयर कर रहे हैं दे कैन रीड दिस पर्टिकुलर न्यूज दे आर टू टू थ्री सिग्निफिकेंट पॉइंट इन दिस न्यूज सो दिस इज एन आर्टिकल दैट नीड्स टू बी रेड एंड टू बी नोटेड डाउन नथिंग स्पेसिफिक ऑन दिस पेज ऑन द एफ एक् पेज ऑफ द हिंदू दो न्यूज है जो आपको रीड करनी है अच्छे से वन इज द हाईटेक ट्रांसफर्स सो इसमें इंडिया यूएस रिलेशन जहां पर भी आपका आई आर के नोट्स आप बना रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन वहां पर आपको यो ये एड करना है सो बी सी ए जो अभी ट्रीटी साइन हुई है उसके बारे में भी और इंडिया यूएस रिलेशंस में इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको ऐड करने हैं सो दिस इज अ न्यूज़ डेफिनेटली जो आपने रीड करनी है और दूसरा आपको रीड करना है द दमेंडेड लैंड लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर सो वो जो न्यूज हमने फ्रंट पेज पर पढ़ी थी वहां से जो भी आप लिखेंगे उसमें यहां से आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं सो दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर द

ऑन द प्रोफाइल्स पेज आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है फॉर यर इंटरनेशनल रिलेशन पर्स्पेक्टिव द कमिंग टूगैदर ऑफ क्वाड इन दीज सो क्वाड इज क्वाड्रिलेटरल ये चार कंट्रीज़ की ग्रुपिंग है इंडिया जपैन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया तो इन चारों कंट्रीज़ की एक ग्रुपिंग है जो कि एंटी चाइना सेंटीमेंट की, की वजह से ब, जो है वो बनी है तो अभी ये मेरी टाइम एक्सरसाइजेज होल्ड करने लगे हैं एंड चाइना इज ऑलवेज अपोजिंग क्वाड बिकॉज इट सीज क्वाड एज एन एफर्ट ऑफ द कंट्रीज टू कम टूगेदर एंड टू कंटेन यू एस द राइज ऑफ चाइना सो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ क्वाड वट विल बी द स्ट्रेटेजी फ्रॉम प्री एज वेल एज मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये पूरा आर्टिकल पढ़ के आप इससे इंटरनेशनल रिलेशन में अपना जो ओपिनियन पॉइंट है वो एड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज अदरवाइज जनरली जरूरी नहीं है कि प्रोफाइल्स पेज पर सब कुछ इंपॉर्टेंट हो सो दिस एंड दिस यू कैन स्किप नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एंड दैट्स इट फॉर द हिंदू नाउ लेट्स सी अ बिट ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस सो स्पोर्ट्स पेज यू कैन स्किप ऑल टूगेदर ऑन द इंडियन एक्सप्रेस टूडेट सी सम इंपॉर्टेंट न्यूज most of the news in the Hindu and Indian Express are repeated, but there are certain news which you cannot afford to skip. For example, on the front page ye pehli news hai aaj Indian Express mein direct benefit transfer is direct siphoning of school scholarship. तो Indian Express ने एक investigation की है, इसके according झारखंड में जो minority students हैं, उन तक एक scholarship है जो centrally funded है, और वो नहीं पहुंच पा रही है. वहाँ का bank staff, वहाँ के middlemen, वहाँ के nexus बना हुआ है. जो सारी की सारी स्कॉलरशिप को खुद ही जो है वो हजम कर रहे हैं दे आर लाइक एम्बेजलिंग द मनी सो उसके ऊपर ये एक रिपोर्ट uh, uh, है अब इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एज सच दिस रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इज देर इज अ टॉपिक इन योर यूपीएससी पी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंटरवेंशन एंड देयर द प्रॉब्लम्स इन देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन सो द प्रॉब्लम्स इन देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन तो ये जो सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम है इसके या तो डिज़ाइन में या फिर इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है सो यू शुड हैव अ कीन आई टू पिक अप दिस टाइप ऑफ न्यूज़ एंड फॉर दैट आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड मेमोराइज़ द सिलेबस ऑफ प्री एज वेल एज मीन्स सो दैट वेन एवर यू सी अडलाइन यू शुड नो कि ये मेरे सिलेबस के कौन से पार्ट में फिट होती है दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ चूजिंग न्यूज एंड रिजेक्टिंग द इरेलीवेंट न्यूज़ After that comes straight. So, all these pages are regional pages. Some of the news are repeated from the Hindu. You can skip most of the news. And since it is a Sunday newspaper, so most of it is filled with advertisements. But nonetheless, कुछ न्यूज आपकी ऐसी हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते इवन इफ देर देर इज वन और टू न्यूज विच इज इंपॉर्टेंट इन दर न्यूज पेपर बट दे आर सो इंपॉर्टेंट दे कैन नॉट बी स्किप्ड सो रीजनल न्यूज में भी यहां पर आपको कुछ खास नहीं मिलेगा और ना ही आपको इस पर अपना टाइम वेस्ट करना है अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब और हरियाणा स्टेट सर्विसेस एग्जाम्स फॉर एग्जाम्पल दिस Amarinder launches state's own scholarship for SC students. Now, this is important if you are preparing for Punjab PCS. Otherwise, you do not need to read this news. <clears throat> right? So, most of the news you can see have been repeated. सो इन इंदिराज मेमोरी येस्टडे थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर दो दिन मनाए जाते हैं थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को वन इज़ द नेशनल सॉलिडेरिटी डे बिकॉज ऑफ द एसेसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस इंदिरा गांधी एंड ऑल्सो द राष्ट्रीय एकता दिवस बिकॉज इट इज़ द बर्थ सेंट बर्थ ईयर और बर्थ डेट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल सो दो जो हैं दिन मनाए जाते हैं थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को स्किप करने के बाद यू शुड कम डायरेक्ट टू द इकोनॉमी पेज नाउ दिस इंपॉर्टेंट पेज फॉर टूडे नंबर वन हाउ एंड है इकोनॉमी परस्पेक्टिव वट इज डिस इन्वेस्टमेंट वाई एयर इंडिया इज बी डिस इनवेस्टेड वाई इट इज बींग सोल्ड उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है दिस एक्सप्लेन आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड आपने पढ़ना है इंपॉर्टेंट फ्रॉम

लेकिन फिर भी इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स अपने ऑल टाइम हाई पे हैं अ लाइफ टाइम हाई ऑफ 555 बिलियन डॉलर्स फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं और ये राइज क्यों कर रहे हैं ना दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दैट डिस्पाइट जी गोइंग डाउन वाई आर द फॉरेक्स रिजर्व गोइंग अप सो ये टेक्निकलिटी जो है ये आपको पता होनी चाहिए right so there is an article on bihar elections but not to be read then there are opinion articles so in these opinion articles you should always look for substance if they are so general then you need not study it if they are a part of your optional then you can read it otherwise you should skip these type of articles for example slow death of liberal democracy if you have public administration or political science or law as your optional then you can read it, otherwise, you can skip it. Alright, so this was the newspaper reading guide for the 1st of November 2020, and it is an initiative of Abhipedia powered by Abhimanyu. Do like, subscribe, and share our channel for more such updates. Thank you, and have a nice day.